चलिए हम आपको एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि भिवंडी शहर में पावर लूम उद्योग में एक शांति सी देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि आज भिवंडी शहर में 60% जो लूम है वो पूरी तरह बंद हो चुके हैं। वहीं आज पावर लूम बंद हो जाने से कई पावर लूम मालिक और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बता दें कि 1857 के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बुनकरों की पनाह बना भिवंडी शहर, जहां संकरीय रास्ते तो खराब सड़कें हैं, सब कुछ बिखरा दिख रहा है। इसी में दिन रात शोर मचाते हुई भिवंडी के पावर लूम का शोर थमता हुआ नजर आ रहा है। भिवंडी शहर, जिसे महाराष्ट्र का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जहाँ का बना हुआ कपड़ा देश और दुनिया के कई देशों में भेजा जाता है, यहाँ लगभग 12 से 14 लाख पावर लूम की मशीनें हैं और हर मशीन पर एक दिन में लगभग 50 से 60 मीटर कपड़ा बनता है। आंकड़े के अनुसार यह आंकड़ा महीने में 50 से 60 करोड़ मीटर तक पहुंच जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितनी अहमियत रखता है कि खास करके तब खेती के बाद पावर लूम उद्योग देश का रोजगार देने वाला सबसे बड़े सेक्टर में शुमार आता है। पर आज भिवंडी का पावर लूम उद्योग पूरी तरह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज हमारे चैनल की टीम भिवंडी शहर के विभिन्न ठिकानों पर जाकर कारखाने के मालिकों से बातचीत की, उनसे राय ली कि आखिरकार क्या कारण है कि आज पावर लूम पूरी शांति की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि लूमों पर, कारखानों पर ताला लगा दिया गया है। ताले लगने के बाद जो पावर लूम मालिक हैं वो पूरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में सभी कारखानों पर ताला लग जाने के बाद पावर लूम मालिक काफी परेशानियों में दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हमारे चैनल के संवाददाता ने कई ऐसे कारखाना के मालिकों से बातचीत की, कई ऐसे मजदूरों से बातचीत की, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में GST को लेकर, ये बिल को लेकर काफी कुछ कहा। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल से जुड़े टेक्सटाइल के भिवंडी शहर के अध्यक्ष और भिवंडी शहर पावर लूम के उद्योगपति हबीब अंसारी, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू में क्या कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जो आज लूम बंद हुआ है, हमारे क्या कारण है? अभी ये 2-3 महीने से नाम बर के जो पगार भी सही ढंग से नहीं मिल रहा था, उसके वजह से ना हम कालीगर का पूरा नहीं कर पा रहा था, मैं पावर बिल नहीं भर पा रहा था, वो वजह से मैं सबका सुखता करके अभी मैं दूसरे जगह में ड्यूटी कर रहे। अभी जो मैं बीम मांगने जाएगा तो वो लोग BST का पैसे भी कट करते, हमको जो भाव भी कम देते और ऊपर से BST का पैसे भी काटते हैं, और ये सबको भर के अपने को पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके वजह से मैं बंद ही रख दिया। हम दूसरे जगह में ड्यूटी कर रहे हैं, अगर ये लूम हम बेचने जाएगा तो बंगार में मांग रहे हैं। मैं अभी ये लगाते टाइम मैं 1.5 लाख में लगाया था, अभी मैं इसको बेचने जाएगा तो 40,000 बोल रहे हैं। जानकारी देंगे कि आपके कारखाने में आज जो ताला लगा है क्या कारण है, क्यों बंद किया गया है? हमारा कारण है, 4-5 महीने से तो जब से GST लगा है तभी से हम लोग को ना माल मिलता है, ना भीम को मिल रहा है, ना कुछ, तभी से ताला लगा हुआ है। हम लोग को भूखे मरने का कगार पे आ गए हैं। अब देखो, आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी कैसा हालत है, देखो ताला लगा हुआ है। अभी हम लोग को लूम चलाने वाला मजदूर लोग अभी कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर आपके पास कितने मजदूर काम करते थे और कितने लूम हैं आपके यहाँ पे? अभी हमारे पास तो 12 लूम है, 4 कारीगर चलाते थे। कारीगर लोग अपने गांव चले गए। बंद है, ताला लगा हुआ, आपके सामने ताला खोला। हमारे पास 4 कारीगर थे, वो लोग भी चले गए मुलुक। अभी हमको भी दूसरी जगह भी मजदूरी करना पड़ रहा है, फिर डिग्री लाना पड़ रहा है। अभी हमारे लड़के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, कहाँ से हम लोग उन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए अभी पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी हम लोग का घर में खर्ची चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसा मुसीबत हो गया है।
चालू। हम लोग गांव जा रहे भैया, काम धंधा हो रहा ही नहीं रहा है, लूम बंद चल रहा है, क्या करूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, बहुत परेशानी चल रहा है। हमारा बाल बच्चा क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कितने लोग आप लोग गांव जा रहे हो? 8-10 लोग हैं। गांव जाने का कारण क्या है? काम धंधा हो ही नहीं रहा, सब बंद है, मंदी चल रहा है चार बोरी, तो क्या करेंगे यहाँ रह के। सेठ क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको? सेठ हिसाब दे रहा है, बोल रहा है नहीं कल चलेगा, ऐसे बोलता है, तमाम प्रकार की बातें करता है। बड़ी समस्या है सामने हम लोग की, जटिल समस्या है। आप लोग गांव जा रहे थे? हाँ गांव जा रहे हैं। अब यहाँ चार खाता चल रहा था, अब दो चल रहा है, वो भी बराबर नहीं चल रहा है, काम भी बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ 7-8 हज़ार पगार आ रहा था, वहाँ 4 ही हज़ार आ रहा है। क्या कारण क्या इसके पीछे? बोल रहे हैं मंदी है, जून से GST लगाए तब से कारखाना बराबर नहीं चल रहा है। चार कारखाना था, वो भी दो चल रहा है, एक मशीन दो मशीन हम लोग चला के 2000-3000 पगार उठा रहा हूँ। बीवी बच्चा भूखा मर रहा है, हम लोग भूखा मर रहा है। अभी सेठ भी परेशान, हम लोग भी परेशान, अभी क्या करेगा। जब से GST लागू है तब से सेठ का दो कारखाना बंद ही रहता है, एक ही चलता है, वो भी भीम कोम बराबर नहीं रहता है। काम किधर होता है बराबर? 3000-4000 पगार आता है, उसमें क्या होगा, हम लोग कैसे चलेगा रोजगार। जो से आपकी लूम बंद है और क्या कारण है, किसके पीछे क्या कारण है कि आप लूम बंद करके रखिए? मेरा अभी 14 महीने से दोनों कारखाना बंद है और इसके वजह से कम दोनों और दो चार कारखाना बंद है, इसके वजह से हमारा 48 कारीगर बेरोजगार हुए। अभी वो इधर है, जितने आए गाँव चले गए। और GST के वजह से जब से GST आया तभी से अभी हमको ये मंदी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं आएगा, अभी 14 महीना गुजर गया, अभी तक तो हमारा कारखाना चालू नहीं हुआ, तो हम भी बेरोजगार हैं। जो हमारा पास काम करते थे वो लोग भी बेरोजगार हो गए। कितने लूम थे आपके? मेरा अभी चार कारखाना है, चार कारखाना में चार कारखाना बंद है अभी फिलहाल। तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि टेक्सटाइल के जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उनका आगमन हुआ था भिंडी शहर में, उन्होंने एक आश्वासन दिया? आगमन किया था, मगर जो कपड़े का डिमांड है ना वो मार्केट में है नहीं कुछ, वो उसके हिसाब से लगता है। मगर हमको सुविधा देना चाहिए कुछ तो, कुछ तो हमको पावर पे सब्सिडी और यान पे भी थोड़ा बहुत सब्सिडी देगा तो हम लोग क्या नांडर का जो भी है सस्ते में कपड़ा बनाएगा तो सस्ते में तो बिकता ही है। तो बाकी ये तो कोई हमको सुविधा देता नहीं। बॉम्बे का जो बाजार वाले हैं अपना मर्जी से भाव बढ़ा, तांबा कट्टा का जो यान बाजार का जो रहते हैं ना वो लोग अपना मर्जी से भाव बढ़ाते जाते, तो इसकी वजह से हमको नुकसान होता है, तो हम लोग कपड़ा चला नहीं पाते। एक कारखाना चलाएगा तो 50,000 से 1,00,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। ये थे हमारे साथ में भिवंडी शहर के कई पावर लूम के मालिकान और मजदूर लोग। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पावर लूम से जुड़े उद्योगपति हबीब अंसारी, जिन्होंने GST को लेकर, ईवी बिल को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यहाँ से लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी मंत्री लोगों से मुलाकात की, उनके माध्यम से भी हम आपके समक्ष पावर लूम में आखिरकार क्यों मंदी छाई है, क्या कारण है, हबीब अंसारी जी से मुलाकात की है, उन्होंने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जुड़े हुए हैं भिवंडी शहर के लिए, कई ऐसे कामों के हित के लिए आपने बहुत लड़ाई लड़ी, ऐसे में कहीं ना कहीं भिवंडी शहर में 60% जो लूम है पूरी तरह बंद हो चुके हैं, क्या कारण इसकी जानकारी? देखिए सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भिवंडी जो है पावर लूम की नगरी है, यहाँ का पूरा कामकाज पावर लूम के ऊपर है। अगर पावर लूम चलेगा तो यहाँ के हर कारोबार चलेंगे, क्योंकि यहाँ और कोई कारोबार है नहीं। और इसके लिए आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ रोज़ी रोटी कमाने आए हैं। आज ये उद्योग एकदम बर्बादी के कगार पे खड़ा है। ये खाली भिवंडी शहर का ही नहीं, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी पावर लूम्स हैं सब परेशान हैं। ये उद्योग चल नहीं रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई। पहले ये नोटबंदी लाए, फिर GST लाए, फिर ईवे बिल लाए, अभी इन्होंने जो ये नया अभी अगस्त में जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये सराहनीय है, इसका हम स्वागत करते हैं।
अभी ये हमको रिफंड देने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, और देखो कब देते हैं, तो बात की बात है, लेकिन ये ठीक है। हमारी मांग क्या है कि जुलाई 2017 से जब जीएसटी लगी तो हम लोगों ने 13% भी भरा है, पहले 18% था, आप लोग को मालूम हो, तो उसमें हम लोग बहुत दौड़ धूप किए, दिल्ली तक गए, उसमें काफ़ी मेहनत की गई, तो उसमें हमारे ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का बहुत अहम रोल था, जिसमें उन्होंने 12% कराया। अहमद पटेल साहब थे, हमारे प्रमोद तिवारी जी थे, राहुल जी थे, तो हम अरुण जेटली साहब को मुबारकबाद भी दिए कि अभी जो आपने निर्णय लिया, चलो ठीक है भाई, हमारी बातें सुन ली और 12 कर दिए। अब ये तो अच्छा कर दिया इन्होंने कि चलो आपको हम क्रेडिट देंगे या रिफंड देंगे 7%। अब इन्होंने कब किया, जब भिवंडी बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई। अगर यही पहले ये लोग निर्णय लेते हैं तो आज भिवंडी की हालत ये नहीं रहती। आज तकरीबन हम लोगों ने, भिवंडी के तमाम लोगों ने, कम से कम 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपया भरा है। अगर यही पैसा हमको क्रेडिट कर दें तो आज ये उद्योग दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो मैं तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा, और मैंने पीयूष गोयल साहब को भी लेटर दिया है, स्मृति ईरानी जी को भी दिया है कि भाई इसके बारे में आप लोग विचार करो, क्योंकि ये उद्योग अगर बंद हो जाएगा तो समझ लो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। और गवर्नमेंट का डाटा है कि इस रोज़गार से तकरीबन 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ के जो मज़दूर हैं या जिन लोगों ने लूम लगाया है, वो लोग भी सब बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसके अलावा समझ लो कि कोई चारा नहीं है। आज एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई रोज़गार देता है तो वो पावर लूम उद्योग है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको गंभीरता से सोचें इसके बारे में, और हम लोग को भाई थोड़ा इसमें मदद करें ताकि ये उद्योग दोबारा खड़ा हो जाए। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ वर्ष पहले यहाँ पर स्मृति ईरानी जी आए थे, उन्होंने भिवंडी शहर के पावर लूम उद्योग के जितने भी मालिका ने, उन्हें एक आश्वासन दिया था कि जो मंदी का यहाँ पर उस टाइम पे भी असर था, लेकिन इस बार 60% लूम बंद हो जाने से कई ऐसे कारोबार ठप हो चुके हैं शहर में, क्योंकि आपने भी अपने व्यक्तित्व में कहा। और ये सही है कि भिवंडी शहर अगर किसको अगर जाना माना जाता है तो पावर लूम की वजह से जाना जाता है। ऐसे में स्मृति ईरानी जी ने जो वादा किया था, कहीं ना कहीं वो वादे पर वो उतरी नहीं खुल सकता है। अरे भाई, अब तो स्मृति ईरानी जी को पूरी मालूमात मिल गई है। वो आई थी, 10-15 मिनट रुकी मुश्किल से, समझे क्या, सोनाले में गई, वाटिका में मीटिंग हुई 5 मिनट, फिर उनको अर्जेंट था, निकल जाना था दिल्ली, वो तो निकल गई। अब उन्होंने क्या सोचा क्या समझा, ऐसा तो कुछ अभी तक समझ में नहीं आया। अब अगर इसके ऊपर वो लोग विचार करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सहूलत मिल जाएगी। सर, आप टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, जाने माने हस्ती हैं, लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे जो पावर लूम मालिकान? भाई, पावर लूम मालिकान को चाहिए कि इसमें हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि लोग तो बर्बाद हो ही रहे हैं। आज हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। 60% लूम बंद हो गए हैं, 40% जो हैं वो भी बंद के कगार पे ही हैं, वो बंद होते ही जा रहे हैं। लोग अंडर कॉस्ट में कितने दिन धंधा करेंगे? आज यार्न की जो पोजीशन है, यार्न रोज़ ये बढ़ाते जा रहे हैं। आपको याद होगा जिस वक्त हमारी जीएसटी 12% हुई, वही 2-3 दिन में इन लोगों ने 6% यार्न बढ़ा दिया। तो इसमें खाली पर्टिकुलर कुछ कंपनियां हैं जो मेन की, ये रिलायंस है, बॉम्बे डाइंग है, सियाराम है, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये गवर्नमेंट फ़ायदा दे रही है, और हमसे ले के 12% इनको क्रेडिट दे रही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा ही पैसा हमको रिफंड कर दो, हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं, हम तो भाई हमारे हक का पैसा मांग रहे हैं जो हमने दिया है। तो गवर्नमेंट अगर हमको वो दे देती है तो ये इंशाल्लाह दोबारा रोज़गार खड़ा हो जाएगा। सर, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, ऐसे में शहर की हम बात करेंगे, शहर में आज गड्ढों का अंबार लगा हुआ है,
नहीं, इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है, ये तो रोजी रोटी का मसला है, सबसे बड़ा मसला है ये। कोई कांग्रेस बीजेपी या शिवसेना या राष्ट्रवादी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये रोजी रोटी का मसला है, बहुत नाजुक मसला है, इसको राजकारण से हट के देखना चाहिए, कोई पार्टी से मतलब नहीं है इसमें। तो हर किसी को भाई साथ देना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी से तो सब जुड़े हैं भाई। अपना कारोबार ही नहीं चलेगा, अपना उद्योग ही नहीं बचेगा, तो राजकारण किस काम का? तो इसका राजकारण से कोई संबंध नहीं है। हम तो कोशिश यही करेंगे कि भाई हमारी इंडस्ट्री बच जाए, हमारा शहर आबाद रहे। हम इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करे। सर, भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी की सत्ता, ऐसे में शहर में जो है पूरा गड्ढों का अंबार लग चुका है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो गई, कई ऐसे व्यापारी गट के लोग हैं जो भिवंडी शहर में आना नहीं चाहते गड्ढों के कारण, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने इसके खिलाफ एक आवाज़ तो उठाना चाहिए, क्योंकि शहर के लोग काफ़ी वंचित हैं। नहीं, ये बात आपकी सच है, हकीकत है कि भिवंडी के रोड ब्रिज बहुत ख़राब है। ये सिलसिले में अभी दो दिन पहले मैं अपने कमिश्नर साहब के पास गया था, उनसे मेरी काफ़ी तफसील में बात हुई, और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम इसको 1.5-2 महीने में सुधारा कर देंगे। मैंने कहा पहले आप गड्ढा तो भरवाइए। अब वो इंतज़ार में है कि बारिश कम हो, तो क्या है कि नहीं तो डामर उमर बराबर पकड़ता नहीं है। तो मैंने कहा पहले आप गड्ढा तो भरवा दीजिए, जो लोगों को आने जाने में तकलीफ़ हो रही है, दुश्वारियाँ हो रही है, ये थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि लोग तो बहुत परेशान हैं और बुरा भला ही लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे 47 नगर सेवक हैं, कोशिश में तो सब लगे हैं, लेकिन अब होना भी चाहिए। हमारे मेयर साहब भी ये कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द रोड बन जाए, जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 1.5-2 महीने में काम हो जाना चाहिए। मतलब आपको अभी भी आश्वासन मिला है 2 महीने? हाँ भाई, अब मिला है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे भिवंडी शहर की कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी।